कनाडा में रह रहे खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टर्स को लेकर एक बड़ा खुलासा किया गया है। NIA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी 90 के दशक में जैसे मुंबई में गैंगस्टर के साथ मिलकर काम कर रही थी, ठीक उसी तरह कनाडा और पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी पंजाब से विदेश में फरार हुए गैंगस्टर का इस्तेमाल करके भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहे हैं। NIA की चार्जशीट के मुताबिक कनाडा, पाकिस्तान और अन्य देशों में मौजूद गैंगस्टर से खालिस्तानी आतंकी बने इन फरार अपराधियों को पंजाब के कई सिंगर्स, कारोबारियों, कबड्डी खिलाड़ियों और वकीलों के बीच संबंधों की जांच के दौरान खुलासा हुआ है। NIA खालिस्तान आतंकी अर्शदीप ढल्ला को लेकर भी खुलासा किया गया है। NIA की चार्जशीट के मुताबिक अर्शदीप ढल्ला के संपर्क कई विदेशी खुफिया एजेंसियों से रहे हैं। अर्शदीप ढल्ला पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम कर रहा है। भारत में जबरन वसूली, ड्रग्स की तस्करी से पैसा कमा रहा है और इसका इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया जा रहा है, ऐसा NIA की चार्जशीट में शामिल किया गया है। साथ ही अर्शदीप ढल्ला जैसे खालिस्तानी आतंकियों के निशाने पर वो युवा भी हैं जो नौकरी की तलाश में लगे हैं और कनाडा में रह रहे हैं। इसके साथ साथ नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने अपनी चार्जशीट में ये भी खुलासा किया है कि निज्जर कनाडा में पनाह लिए अर्शदीप उफ अर्श ढल्ला के साथ एक टेरर कंपनी चला रहा था। निज्जर खालिस्तानी टाइगर फोर्स का चीफ था, जिसकी हत्या को लेकर कनाडा और भारत के रिश्ते तनावपूर्ण बने हुए हैं। जानकारी मिली है कि भारत अब निज्जर के खालिस्तानी आतंकी होने के सबूत भी कनाडा को देगा। NIA ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि डल्ला हरदीप सिंह निज्जर के साथ मिलकर हत्या, टारगेट किलिंग, टेरर फाइनेंसिंग और बड़े पैमाने पर बॉर्डर पार से ड्रग्स और हथियारों की स्मगलिंग कर रहा था। NIA में ये दर्ज किया गया है कि दोनों आतंकी यानी कि डल्ला और निज्जर कनाडा के वीजा दिलवाकर अच्छी नौकरी और मोटी रकम देने के लालच देकर शूटर्स को रिक्रूट करते थे। अब आपको बताते हैं कि NIA की चार्जशीट में क्या क्या मेन पॉइंटर्स है। खालिस्तानी गैंगस्टर मामले में NIA की जांच में जो बड़े खुलासे हुए हैं वो हम आपको बताते हैं। खालिस्तानी गैंगस्टर नेटवर्क 90 के दशक में मुंबई में तैयार हुए ISI गैंगस्टर नेक्सस की तरह काम कर रहा है। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद बनी NN वोहरा कमेटी ने अपनी जांच में पाया था कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने मुंबई के गैंगस्टर नेटवर्क का इस्तेमाल किया था और उसी तरह कनाडा और पाकिस्तान में मौजूद खालिस्तानी आतंकी पंजाब से विदेशों में फरार हुए इन गैंगस्टर्स का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों के लिए कर रहे थे। NIA ने अपनी चार्जशीट में लिखा है कि जिस तरह वोहरा कमेटी की जांच में बॉलीवुड अंडरवर्ल्ड के बीच संबंधों का खुलासा हुआ था, ठीक उसी तरह कनाडा, पाकिस्तान और अन्य देशों में मौजूद गैंगस्टर से खालिस्तानी आतंकी बने फरार अपराधियों और पंजाब के कई सिंगर्स, कारोबारियों, कबड्डी खिलाड़ियों और वकीलों के बीच संबंधों की जाँच के दौरान खुलासा हुआ है। उस वक्त भी ठीक इसी तरह से अंडरवर्ल्ड के साथ संबंधों का खुलासा हुआ था। कमेटी ने अपनी जांच में ये भी पाया था कि उस दौर में कई क्रिमिनल गैंग बन गए थे, हथियारों की तस्करी, ड्रग पैंडलिंग एक मजबूत लॉबी बन गई थी, जिसके बाद कुछ सालों बाद उस लॉबी का नेटवर्क न सिर्फ पत्रकारों से हुआ बल्कि सिंडिकेट से ऐसे लोग भी जुड़े जिसके अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन थे। खासकर इंटेलिजेंस एजेंसी NIA ने चार्जशीट में बताया कि हमारे केस में भी ऐसा ही सिंडिकेट बन गया है जिसके कनेक्शन पाकिस्तान और दूसरे देशों से है। NIA ने अपनी चार्जशीट में ये लिखा है कि अर्शदीप ढल्ला और कई अन्य सिंडिकेट के संपर्क कई विदेशी खुफिया एजेंसियों से है, खास तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से, जो इसका इस्तेमाल भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ कर रहे हैं। पॉइंटर 6, NIA की जांच में सामने आया कि अर्शदीप ढल्ला और उसके सिंडिकेट की फंडिंग का मुख्य स्रोत जमीनों, इमारतों पर कब्जा करना, जबरन महंगी जमीनों को कोड़ियों के दाम पर खरीदना, साथ ही सिंडिकेट ने पावर और डर के दम पर पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स के संबंधों को मजबूत कर सिंडिकेट को बड़ा किया। अर्शदीप ढल्ला के करीबी या फिर कहे उसके सिंडिकेट का हिस्सा रहे सुनील बलियान, टिल्लू ताजपुरिया, नवीन बाली और नीरज भवाना और कौशल चौधरी, अमित डागर, सभी ने पहले गुरुग्राम में रियल एस्टेट के शुरुआती चरण में दखल दिया और बाद में खुद को गैंगस्टर आतंकवादी सिंडिकेट में तब्दील कर दिया।
बता दें, भारत सरकार ने गजट नोटिफिकेशन SO.105E निकालकर कनाडा में बैठे हुए अर्शदीप उर्फ अर्श डल्ला को खालिस्तान टाइगर फोर्स का आतंकी घोषित किया था। नोटिफिकेशन में सरकार ने बताया था कि डल्ला कनाडा में रहकर टारगेट किलिंग, एक्सटॉर्शन, टेरर फंडिंग, हत्या की कोशिश, अलग अलग समुदायों में नफरत फैलाने और पंजाब के लोगों में दहशत फैलाने में लगा हुआ है। डल्ला अन्य घोषित आतंकी निज्जर के बेहद करीबी माना गया था।